हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलसेल रेट में रिटेल वाले को जो सामान हम लोग बेचते हैं उसका बिल हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे बिल तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना फाइल खोल लेता हूँ, उसके बाद अपना पासवर्ड डालता हूँ, देख सकते हैं, और फिर इंटर। देख सकते हैं मेरी फाइल खुल गई है। तो मैंने एक हाइडेड फाइल रखी है, इसके लिए मैं बटन प्रेस करूंगा। इसके लिए मैं बटन प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्टर और F11। तो देख सकते हैं आप, प्रेस करने के बाद एक नई फाइल आ गई है नीचे में। तो ये नई फाइल है, हम इसमें क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से सेलेक्ट ट्रांजेक्शन, सेलेक्ट बिल। अगर GST का बिल है तो आप GST पे जाइए, और नॉर्मल है तो आप सेलेक्ट बिल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं ये फाइल खुला ही है। अब यहाँ पे आपको नई फाइल बनाने के लिए आपको कंट्रोल एन पे क्लिक करना होगा। कंट्रोल एन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नई फाइल खुला ही है। अब आपको दुकान का, रिटेल शॉप वालों का नाम पहले से हम सेव करके रखें, तो उसके लिए हम सर्च करने के लिए F2 करते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ F2 करते हैं, और आप देख सकते हैं मैं F2 दबाते हैं, वहाँ आएगा स्क्रीन पे ये। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोनू मोबाइल। आप देख सकते हैं सोनू मोबाइल एंड गैलरी आ गया। इस पर क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये सब हम लोग पहले से सेट करके रखे हैं। एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PRD कोड के जगह पे अपना जो आप बेचना चाहते हैं, मैं मेमोरी कार्ड का डाल रहा हूँ, तो 16 SM इंटर, रेट टैक्स नहीं है तो इंटर, क्वांटिटी 3 मतलब कितना आपको देना है वो बिल में डालिए, फिर इंटर कीजिए। ये ऑटोमेटिकली यूनिट रहता है, रेट 265 इंटर, और फिर एंटर। यहाँ पे सेव हो गई। अब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं, और यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे इसको, कंट्रोल पी करेंगे, ये कॉपी होने चला गया। दे सकते हैं निकलेगा इसका भी। ये आप देख सकते हैं इसका कॉपी निकल के आ गया है, 265 का 3 का इतना हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसे आप बिल तैयार कर सकते हैं घर बैठे। थैंक यू।